मनाल, रुको ना मनाल, आओ नहीं तुम्हारा भी तो घर है। बहुत देर से आवाज दी है तुमने सैम, अब अगर रुक गई लोग यही कहेंगे कि इसी मौके के इंतजार में थी। कोई बात नहीं, लोग साथ नहीं भी चलते तो ऐसे ही साथ चलने के काबिल नहीं हूं। तुम परेशान मत होना, मरियम आ जाएगी, वो यहीं कहीं होगी, अभी भी देख रही होगी तुम्हें कहीं से। सैन, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज पूरी तरह से सीखी है, मुझे मोहब्बत करना, इसके अलावा और कुछ नहीं आता मुझे, और वो मैं करती रहूंगी, तुम हो ना हो, तुम करो ना करो। मनहाल प्लीज प्लीज मत करो ऐसे। देखो सैन, तुम्हें अपना एल्बम पूरा करना है, 5 गाने लिखकर दे चुकी हूँ तुम्हें, ये मेरी मोहब्बत का ख्वाब है सैन, अगर तुमने अपने ख्वाब पा लिए ना, मुझे ऐसा लगेगा जैसे पहले तुम्हें हासिल कर लिया हो। मनहाल सैन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं छोड़ने आई थी, तुम्हारे पूरे घर को जोड़ूंगी मैं, वादा किया है मैंने अपा जी से। वाह, पहला लिरिक्स है यार, कमाल। ये प्यार मोहब्बत बदल देता है इंसान को। तूने इन पे काम शुरू किया? बहुत अच्छे हैं यार, ट्रस्ट मी, लिखवा ले, सुपर हिट होगा ये गाना, बल्कि सारे गाने। आई नो अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है मैं, लेकिन फिर भी अगर मेरा बस चले ना तो तुझसे अभी इन पे कॉम्पोजिशन बनवाऊं, बल्कि इनको इनको देख यार। हेलो जी, आप ठीक? आप कैसे हैं? जी एक्चुअली अभी सिर्फ 2-3 गाने रेडी हुए थे, मैंने सोचा कि कम से कम 5 गाने हो जाएं तभी आपको फोन करता। जी मैं करता हूँ काम, ठीक है, खुदा हाफिज़। म्यूजिक प्रोड्यूसर का फोन था यार। गुड लक तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तू दरवाजा खोल, बाहें खोलकर उसे वेलकम कर, देखना बाकी जितने प्रॉब्लम्स है ना यू यू खत्म हो जाएंगे। जाओ 2 किलो मिठाई लेकर आओ। मुझे सही से बात बताएं कि आप जा कहाँ रही हैं? तुम मिठाई लेकर आओ, खुशियाँ ना गिनो। कहीं आप कभी किसी की बात पूरी मान कर देखो बगैर एतराज के, बंदा बड़ा हल्का महसूस करता है।
जाओ। आंटी मैं नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी बात हो रही और तुम ही ना हो। ये वक्त ही ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप भी ना जाएं। हाँ तो खुशी की जरूरत उसी वक्त महसूस होती है ना जब इंसान दुखी होता है। मैं जानता हूँ वो इनकार कर दे। मोहब्बत करने वालों को इनकार का खौफ नहीं होता। लगता है तुम मुजरिमों के साथ रह रहे के मोहब्बत की आदत ही भूल चुके हो। चलो चलो आओ। आंटी प्लीज मैं यही हूँ, आप जाएं। और सुने अगर वो इनकार कर दे तो भी उसे मिठाई दे के आएगा और दोबारा मत कहना। आंटी ये किस लिए? तुम्हें लेने के लिए आई हूं। क्या मतलब? आंटी कहाँ लेकर जा रही हैं? लंबा सफर है। आंटी आप क्या कह रही हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वापस आओगी? आती जाती रहेगी। जहाज पे जा रही हो या कि ट्रेन पे? आप बताइए ना। मैं तुम्हारे लिए कादर का रिश्ता लेकर आई हूँ। और मैं जवाब लेकर ही जाऊंगी। आंटी देखिए प्लीज आप। तुम खामोश रहो, तुम्हें किसी ने इनकार करने की इजाजत नहीं दी। कादर तलाक तो नहीं देगा? नहीं, मोहब्बत करने वाले कभी नहीं छोड़ते। आप बस इजाजत दे दें। आंटी हमारी तरफ से हाँ है। क्यों जी, आपको कबूल है? इसकी दूसरी शादी है ना? नहीं, पहले जो कुछ हुआ वो तो बस धोखा था। मनाल की पहली शादी कब होगी? वो तो हो चुकी। फिलहाल आप ही मिठाई खाएं। बल्कि तुम सबसे पहले कादिर का मुंह मीठा करवाओ बाहर जाके। बाहर? तो वो बाहर क्यों है, उन्हें अंदर बुला लेना। आंटी मैं कैसे, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी। बताओ नहीं चाहती थी तो? जाओ जाके मिठाई देकर आओ। आप तो जानती हैं आंटी को। हाँ उन्हें तो जानती हूँ, लेकिन
आपका जानना चाह रही थी। मैं तो वही हूँ। लेकिन मैं वो नहीं रही। वैसे तुम्हें हो क्या रहा है मनाल? सर में दर्द है काफी। तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं ऐसा करती हूँ मेडिसिन ले आती हूँ, तुम वो खा लो फिर सोने की कोशिश करना। मेरी दोस्त तो थी लेकिन कोई बहुत अच्छी दोस्त नहीं थी। मेरी एक है फ्रेंड ऐसी, माय बेस्ट फ्रेंड। एक भी हो तो बहुत है, खुशकिस्मती है ये तो। इंसान अपने दिल की बात तो कर सकता है। तुम्हें मजे की बात बताऊं, पता है उसका नाम क्या है? मनाल नहीं, मरियम। अच्छा हाँ, पता है तुम्हें मनाल, वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मुझ पर जितना मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए मुझे पता है कि वो मेरे साथ खड़ी होगी। अफीरा, अफीरा, अफीरा। हेलो जैन, मुझे पता है मरियम कहाँ है। तुम उसकी दोस्त को जानते हो, मरियम? कौन? हाँ 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 है। मुझे अभी याद आया कि उसने एक बार मुझे बताया था कि उसका दिल करता है कि वो सबसे छुपकर जाकर अपनी दोस्त के साथ रहना शुरू कर दे। तुम्हें ख्याल आ पाया मनाल? हाँ जैन, मेरा दिल कहता है कि मरियम वहीं होगी। तुम्हें उसका घर पता है ना? हाँ मैं गया था उसके पास, लेकिन लॉक था घर उसका। लॉक था? इसका मतलब वो वहीं है। ये तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इसलिए कि उसने मुझे इतने ही यकीन से बताया था। तुम एक दफा जाकर चेक तो करो प्लीज। ओके। मनाल, डॉक्टर के चले, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। खुशी की खबर है आपके लिए, उनका विजन वापस आ रहा है। क्या? अभी कुछ अर्सा डिफ्यूज सा नजर आएगा उन्हें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वीएन क्लियर होता जाएगा। मनाल का उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं, थोड़ी देर तक आप उनसे मिल सकेंगी, और कल रिपोर्ट्स आने तक मैंने उन्हें एडमिट कर लिया। डॉक्टर साहब, ये मैं घर बता दूं ना? हाँ श्योर। थैंक यू। अफीरा, बहुत मुबारक, बहुत सा हो गया। मोहब्बत मौजा ही तो है, वो हो गया तो ये तो होना ही था। मुबारक हो। थैंक यू। मनाल कहाँ है? आइए ना, आइए। जैन पहुंच गया? फोन पे बात हुई थी, मनाल ने उसे कहा है कि मरियम को साथ में क्या है। गुड। हेलो, मुझे तुम रूम बता दो, मैं खुद ही चली जाती हूं। दूसरा दरवाजा। ठीक है, तुम रिकॉर्ड करो, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम लोग खुशियां मनाओ, मैं जरा जरूरी काम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? खैरियत?
इरफान की मुखबरी हुई है। आप छोड़ दीजिए ना प्लीज। ऊपर से ऑर्डर आया है, मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बाद में मिलता हूँ मैं तुम लोगों को। अंदाजा भी मेरा हाल क्या हुआ है? इस शहर का कौन सा कोना नहीं छाना मैंने? तुम्हारा भाई हूं मैं, हम दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और है कौन? अपनी बात करो, मेरी नहीं। तुम्हारे पास तो बहुत सारे रिश्ते हैं बीबी। मरियम, ये नफरत कहां लेके जाओगी तुम? देखो मरियम, मनाल हॉस्पिटल में उसकी बिनाई वापस आ गई है, चलो ना उसे मिलने। नहीं चलोगी मेरे साथ? तुम्हें जहां जाना है जाओ, मुझसे बात करनी की या मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं ये भी तो नहीं कर सकता। देखो, मनाल की जिंदगी में एक नई रोशनी आई है, क्यों ना हम एक नई जिंदगी शुरू करें? हम दोनों मिलकर उसे ले आते हैं ना, और वो कादर का मसला भी तो खत्म हो चुका है, अफीरा से शादी कर रहा है वो। तो वो सब मुझे बदनाम करने के लिए था? नहीं मरियम, वो तो जो कोई भी मतलब था जैन, प्लीज यहां से चले जाओ। मरियम, और मेरे पीछे मत आना। मरियम, 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 मेरी बात तो सुनो। मरियम, मैं तुम्हें लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। बहन को बदनाम करने वालों के साथ रास्ते रखो जैन, प्लीज यहां से चले जाओ। मरियम, मेरी बात तो सुनो। यहां सबके सामने क्यों तमाशा कर रहे हो? कहीं पे तो मुझे इज्जत से रहने दो जैन, प्लीज। क्या चाहते हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मरियम मुझे यहां से भी निकाल दे। तुमसे जान छुड़ाने के लिए मैं खुदकुशी कर लूंगी जैन, चले जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ। मनाल, अभी तुम्हारी साइट प्रॉपरली रिस्टोर नहीं हुई है, इसलिए भी तुम थोड़ा रेस्ट करो। अच्छा आंटी, गहरे अंधेरे के बाद तो थोड़ी सी रोशनी भी बहुत लगती है। हाँ, लेकिन जब तक तुम्हें डॉक्टर्स डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तुमने अपने आप को बीमारी समझना है, सुन लिया? क्यों, मेरा दिल कर रहा है कि मैं हर तरफ देखूं, ऐसा लग रहा है पहली बार देख रही हूँ। हाँ, तो हर रोज यही समझ कर उठना और देखना चाहिए। फिलहाल तो तुम रेस्ट करो, चलो। आपको पता है मैं हर वक्त दुआएं करती रहती थी कि किसी तरह मैं वापस देख सकूं। इसे तो वो लम्हा देखना है, जैन आधी रात को मेरे घर आया था मुझसे पूछने कि मैं शादी करूंगी या नहीं। मरियम को साथ लेकर आया था, फिर आधी रात को रुक सकती। वो सब कुछ दोबारा हो सकता है। हाँ, आंखें बंद करो और देख लो। चलो आंखें खोल लो, क्योंकि अब कोई नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में थोड़ी देर के लिए भी अंधेरा हो। सैन, मरियम कहाँ है? वो नहीं आई? मरियम नहीं आई। मना, तुम क्यों वापस आ गए? क्योंकि मरियम वापस नहीं आना चाहती। नहीं, वो सिर्फ इसलिए मना कर रही है ताकि तुम उसे फोर्स करो। नहीं, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत गुस्से में है वो।
सैन, गुस्सा भी पोजेशन का एक बहुत खूबसूरत फॉर्म है। जब हम किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो उसका साफ मतलब है कि हम उस शख्स से बहुत मोहब्बत करते हैं। चार्ल्स, मरियम को वापस लेकर आओ, इससे पहले कि मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार गुस्से से करने लगूं। तुम भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हो मरियम? मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रही, सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम सिचुएशन को सिर्फ अपने एंगल से देख रही हो। जैन अगर तुम्हें मनाने आया है ना, तो वो वाकई में परेशान होगा। तुम्हारे आने के बाद अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो रीजन सिर्फ ये था कि मैं तुम्हें तुम्हारा स्पेस देना चाह रही थी। लेकिन वो मुझे मनाने के लिए नहीं आया था मरियम, वो मुझे ले जाने के लिए आया था मनाल से मिलवाने। मरियम, अगर वो तुम्हें मनाल के पास ले जाने आया था तो क्या हो गया? उसकी बिनाई वापस आ गई है मरियम। जैन के लिए कितनी खुशी की बात है, अंदाजा है तुम्हें? तुमने आखिर क्यों गमों की तरफ ही अपना रुख कर रखा है मरियम? खुशियों का ख्याल क्यों नहीं रखती? वैसी नहीं थी, तुम जानती हो ना, वक्त और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। जो वक्त गुजर गया है उसकी वजह से आने वाले वक्त को खराब क्यों कर रही हो? माजी में रहने से कुछ नहीं मिलेगा मरियम, सिर्फ तुम्हारे मुस्तकबिल की तलखियों का हिस्सा बढ़ता जाएगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत बुरी तरह टूट गई हो, लेकिन अपने आप को जोड़ना भी तो तुम्हें है ना। ये टूटने वाला ही जानता है कि जोड़ना कितना मुश्किल है। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो एक बार, सिर्फ एक बार नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। जैन और मनाल अगर अपनी खुशी को तुम्हारे बगैर अधूरा तसव्वुर कर रहे हैं, तो जान लो कि उनकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो फिर ऐसा ही होगा। और तुम भी ये सच जानती हो, अपने दिल से पूछ कर तो देखो, और सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से सोचना बंद कर दो, और फिर भी यकीन ना आए ना, तो अल्लाह से मदद मांगो, उससे दुआ करो, वो तुम्हें सीधा रास्ता जरूर दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़। शुएब, ये एसएचओ को अभी फोन करवा और क्या कि मेरे घर के दरवाजे से फौरन चला जाए। और ये नहीं हो सकता कि मैं उसके साथ चला जाऊं और कोई पैदा नहीं हुआ जो इरफान शाह को गिरफ्तार कर सके। वो चूठियां तसल्लियां ना दे, तो नहीं कर सकता तो ना कर, मैं खुद देख लेता मामले को। सर आप बैठें, रिलैक्स करें, प्लीज बाहर मत आइएगा, मैं देखता हूं बाहर। Thank you.
200 से ज्यादा कॉल्स आ चुके हैं आपकी सिफारिश के लिए, और सबसे हमने एक ही बात की है कि फिक्र ना करें, इरफान साहब अब किसी भी कीमत पर नहीं छूटेंगे। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि ऐसे जो कादर एक बार मुझे बाहर आने दे, देख मैं तेरा क्या आशर करता हूं। और यार ये जरा इरफान साहब के साथ सेल्फी तो बनाओ, इतने खामोश बैठे हुए हैं, कहीं ये तारीखी लम्हा गुजर ना जाए। और जरा ये मेरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले पुराने हिसाब चुकाना चाहती हूँ। मुझे इरफान से आखिरी बार बात करनी है, आप इजाजत दे दीजिए प्लीज। उसका कोई फायदा नहीं है, वो किसी बात का जवाब नहीं देगा। लगता है कि उसको पता चल गया कि उसका वक्त खत्म होने वाला है। शातिर इंसान की खामोशी उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। इरफान को नहीं जानते आप, कभी नहीं बदलेगा। उसके बदलने का तो मालूम नहीं, लेकिन तुम आज बहुत बदली भी लग रही हो। चली जाओ फिरा, वो तुम्हें सबके सामने पता नहीं क्या कुछ कह देगा, फिर तुम बैठ के सोचती रहोगी। मुझे इरफान से अकेले में बात करनी है। ओए इधर आओ, लॉकअप के पास कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, जाएं हम। कल से आप खामोश, किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रहे। इस झल्ली के सवालों का जवाब देंगे इरफान? कमजोरों को तो कभी खाली हाथ नहीं लौटाया आपने, उनके साथ तो आपका ताल्लुक जिंदगी और मौत की तरह जुड़ा हुआ है। टीवी पर खबर चल रही थी, हो सकता है आपकी सारी जायदाद जब्त हो जाए। सारी जिंदगी मैं और मेरी फैमिली आपके टुकड़ों पर पलते आए हैं, अब आप पर बुरा वक्त आया तो आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी मैं। ₹5,000 जो आपने मेरे हक मेहर के भिजवाए थे मुझे, आज तक इसने संभाल कर रखे ताकि मुझे तेरी फरमा बरदारी की कीमत याद रहे। आप ऊंची अना वाले, इज्जत वाले, इसलिए आपको आप ही के दिए हुए नोट वापस कर रहे। ज्यादा एहसान नहीं करें, क्योंकि एहसान करके जितलाए जाने की तकलीफ का अंदाजा है मुझे। लीजिए।
मैं जानती हूँ कि कल सुबह से पहले आप रिहा हो जाएंगे और फिर हमें हमारी गलती का एहसास दिलाने, अपने कदमों के नीचे रोंदने के लिए वो सब कुछ करेंगे। इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हमें। इसलिए मुझे मेरे हक मेहर में अपने घर वालों की खुशियां चाहिए और मैं अपना हक मेहर लिए बगैर यहां से नहीं जाऊं। आज या तो आप जुबान देंगे या फिर चलिए तेरी वादा करता हूं आज के बाद तेरे सामने कभी नहीं आऊंगा और तेरे सवालों के जवाब कल सुबह से पहले तुझे मिल जाएंगे। नहीं। अगर तुम्हारी आंखें देखने लगी तो क्या करोगी? क्या मतलब है मां? देखूंगी वो सब कुछ जो अब तक देखना ही नहीं सीखा है। ना करना है सब, देखने की जरूरत नहीं होती, दिखाने की जरूरत होती है। हर कोई अपना अपना देखने में मसरूफ है मां। नहीं, सब तमाशबीन है, तमाशे के मुलाजिम। वही देख रहे हैं जो दिखा रहे हैं लोग। दिखाने वाला तो खुद तमाशा बन जाता है अम्मा। अपनी मर्जी करने वालों को इसकी क्या परवाह? पता नहीं अम्मा, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे मेरी मर्जी ने ही मुझसे बदला ले लिया। मर्जी करने वालों का दुख खालिस होता है, अपना हक मेहर की तरह का उधार नहीं होता। आपने भी तो सारी उम्र अपनी मर्जी की है अम्मा। क्या मिला आपको? अपनी मर्जी मिली? हर किसी को थोड़ी मिलती है। मेरी मर्जियों का अंजाम देखकर भी आप कह रही हैं कि मैं और मर्जी करूं अपनी। हाँ क्यों अम्मा, क्यों करूं?
मर्जी मौत तक खत्म नहीं होती, बंदा हारता नहीं। इंसान जीते ना जीते मर्जी करता रहे बस। मर्जी ही तो जीत है सारी। आप किससे जीते हैं? सारी उम्र मर्जी की है ना आपने? मैं हर डर से जीती हूं। मनाल, तुम इतनी अपनी मर्जी करना कि सब डर जाए तुमसे। मुझे कुछ नहीं मनाया मां, मर्जी करके जो हुआ है सही हुआ। अम्मा, ये कम सजा मिली है, ये सजा कम है। हाँ ना, जो ना रुलाए वो रोता है। रुला के काम हो जाएगा? हाँ, रुला के डरा के पूरी मर्जी से। हाँ नसीन। जिगर, कहाँ है तू? मैं घर पे, क्या हुआ? अरे स्टूडियो खाली पड़ा है, आके कब्जा कर ले। क्या मतलब, समझा नहीं। सुबह से मैं 4 प्रोग्राम होस्ट कर चुका हूँ, अब तो मेरे पास बातें भी खत्म हो गई हैं। तेरा प्रोग्राम रिपीट पे लगाया हुआ। पुराना प्रोग्राम क्यों जी? इरफान साहब की गिरफ्तारी का सुनते ही सब भाग गए, कोई आया ही नहीं। इनफैक्ट राबे और मूसा तो 7 वाले एफएम में भी स्विच कर गए। अरे वाह, बहुत स्पीड है दोनों की। एग्जैक्टली, तू भी गाड़ी चौथे गियर में डाल और फौरन आ, यही वक्त है टेक ओवर करने का। नेल्सन यार, मुझे मरीम के साथ जाना है मनाल को लेने। ओके, देख काम तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सुनहरी मौका बार बार नहीं मिलेगा। देख मैदान खाली है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अपने बाप का एफएम है इस वक्त, बाद में अगर उसके एसेट सील हो गए तो फिर क्या फायदा है? सब समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है फिर, अगर अभी तुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब तक मैं मशहूर हो जाता हूँ, आरजे नेल्सन प्रेजेंट। डन है, चल फिर हमें नई नई चीजें याद कर लूं क्योंकि अगला शो ऑन एयर जाने वाला है। चल ठीक है, बाय। किसका फोन था? नेल्सन का। इरफान जो गिरफ्तार हो गया ना, कह रहा था कि शो कर दो। तैयार हो तुम? चले। हाँ मैं चली जाऊंगी। क्या मतलब, कहाँ चली जाओगी? हॉस्पिटल। और कहाँ? तो मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। जैन, तुम्हें तो मुझे जिंदगी का रास्ता दिखाया और तुम खुद उसकी तरफ कमर करके खड़े हो रहे हो। तुम मुझे समझा रहे थे कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो हमें मजबूत करने के लिए हुआ है, और अब खुद अल्लाह की मर्जी नहीं मान रहे। तुम्हारी तरफ से मनाल के लिए तोहफा मैं लेकर जा रही हूँ। तुमसे सारे रंग बने। तुमसे सारे दीप चले हैं। तारे तुम्हारी सीढ़ी हैं। इन पर अपने पांव रखो और आज। वेरी गुड। सूरज काफी फीका फीका लगता है। उसको जाके रोशनी दो। रात की काली चादर पर अपने सर के मोती डालो।
कटे फटे सब कागज छोड़ के। कोरा कागज हाथ में पकड़ा। अरे वाह, ब्यूटीफुल। एक नई तस्वीर बनाओ। मसली हुई पलकों को तोड़ो और नई तस्वीर बनाओ। आओ मरियम, हम जैन के आजम का आखिरी गाना लिख रहे हैं, तुम भी हेल्प करो। कर दो। एक शर्त पे माफ करूंगी। क्या? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम मरियम है, तो तुम बताओ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मरियम। तो फिर कर दिया माफ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोस्तों, अपने लिए तो सारे जीते, लेकिन असल जिंदगी वो है जो कि इंसान दूसरों के लिए गुजारता है। वैसे मुझे लगता है कि इससे इंसान की जिंदगी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी तो गुजार ही रहा होता है, लेकिन उसमें उस इंसान की जिंदगी भी शामिल होती है जिसके लिए वो कुछ कर रहा होता है। इसलिए लंबी जिंदगी का राज एक्सरसाइज में नहीं बल्कि मोहब्बत करने में है।